नमस्कार, जय गुरु जी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे? दोस्तों, अभ्यास रियाज चल रहा है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ और नया एक्सरसाइज बनाया जाए, जो आपके सामने लेके आज आ रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने कहरवा, दादरा, ये सब तालों को बजाया है, सीख रहे हैं। एक मैं आज नया ताल आपको बताता हूँ, दीप चंदी। दीप चंदी ताल आप लोगों ने सुना होगा, सैड मूड के जो भी गाने होते हैं, स्लोली वाले, उन सब गानों में ज़्यादा इनका यूज होता है, ज़्यादा बजाए जाते हैं। दीप चंदी 14 मात्रा का ताल है और बड़ा ही मीठा ताल है। जो मैं अभी प्ले कर रहा था वो दीप चंदी ही है। एक बार आइए, आप लोगों को भी आज मैं सिखाता हूँ दीप चंदी 14 मात्रा। इसका बोल क्या है? धा धिन्ने धा धा धिन्ने ता तिन्ने धा धा धिन्ने धा धिन्ने धा धा धिन्ने ता तिन्ने धा धा धिन्ने। कैसे? धा पता ही है, धिन आपको पता ही है। सबसे पहले बोल आपको पता होना चाहिए कि कौन से बोल कहाँ निकलेंगे, जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ। तो धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन। आ रहा होगा समझ में? बोल समझ लीजिए। उसके बाद बजाने का स्टाइल देखिए। ता पहले क्या था? धा धिन धा धिन धा धा धिन धा धा धिन। फिर ता तिन ता धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन। तो ता तिन तातिन ना साइलेंट, तातिन धा धा धिन। अब इसको जोड़े आपस में, धा धा धिन तातिन धा धा धिन। और स्लो करके बताऊं, धा धा धिन तातिन धा धा धिन। बीच में गैपिंग है, धा धिन, यहाँ पे एक मात्रा की गैपिंग है, धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन। मैं जहां इन बोल रहा हूं वो साइलेंट जगह है, उसको बैलेंस कैसे बनाना है देखिए। धा धा धिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन। ये बहुत ही अच्छा ताल है, इसका अच्छा सा एक्सरसाइज करें। और इसी में कितनी वैरायटियां बज जाती हैं, इसके किनार भी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है 14 मात्रा का, लेकिन हम जब दुगुन बजाएंगे तो ये साथ में काउंट करेंगे हम लोग इसको। धा धिन्ने धा धा धिन्ने ता तिन्ने धा धा धिन्ने। ठीक है, इसके बीच में उर्दू बाया जाएंगे। कई तरह से इसको बजा सकते हैं, धा धिन्ने धा धा धिन्ने ता तिन्ने धा धा धिन। ये हमारी रिकॉर्डिंग में बजाते हैं हम लोग, और इसको कितने तरीके से बजाया जा सकता है। जैसे ये किनार कंटिन्यू, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 बाएं देखिए कहां पे आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। थोड़ा इसको फास्ट करके देख रहे हैं। ता 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 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 ता 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 ता। बीच में गैपिंग,
था, समझा। और ढोलक के दोस्त निराश ना हो, इस ताल को मैं ढोलक पे भी आपको बताऊंगा, अगले एपिसोड तक आ जाएगा आपके पास। तबले वाले दोस्तों के लिए ये दीपचंदी, तो आप लोग अभ्यास रियाज करिए, चीज़ों को समझिए, आराम आराम से समझिए, एक बार नहीं चार बार वीडियो को देखिए, और जैसे समझ में आए वैसे आराम से बुझाए, गलत रियाज नहीं कीजिएगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय गुरु जी।